सब का जिम्मा सिंपली है, खुद भी बना के खाएगी और मेरे को और आन्या को भी बना के खिलाएगी। ये देखो दोस्तों, भाई साहब दिखाओ, पलट के दिखाओ, खाना नहीं बनाती है। ये देखो आप लोग दिखाओ गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सिंपी अभी जस्ट चाय चढ़ाई हुई है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया अभी कि चाय को छान कर कप में ट्रांसफर किया जाए। क्या बना रही छत्तू? बहुत बढ़िया, तैयार हो लूँ। ऑलमोस्ट 9:10 हो रहा है। थोड़ा नमक, हम आ रहे हैं, शाम में मिलते हैं आपसे। बताइए लॉक है। हाय गाइस, अभी सुबह हो गई, रात कल रात को सो रहे थे, अब सुबह उठ गए हैं। और गाइस इतना गर्मी है ना कि बता मत सकना चाहे। जब देखो गर्मी होते रहता है, जब देखो ठंडा होते रहता है। गर्मी चाहिए कि ठंडा चाहिए? मम्मी क्या कर रही है? तब से झाड़ू कर रही है। झाड़ू पूछो, झाड़ू ओके, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। पानी पियो, देखो मुंह का क्या हाल बनाई है लड़की। गर्मी में पूरा आइस पे बाल रखती है हर समय। जल्दी पानी पियो, इतनी गर्मी है दोस्तों ना। और अब निकली ऑफिस से, मैं किचन का काम वाम करने लगी और ये अभी उठी और तो कैसी लड़की, इसको प्यास नहीं लगता है। कब से बोल रही मानिए पीलो पानी पी लो, पानी से कोई मतलब नहीं है। बस इसको चाहिए मतलब ऐसा आइटम कि हर समय जूस बना दो, ये कर दो, प्लेन पानी पीना नहीं। चल ना हम चल। मुझे वहां भी विक्रम जी कंटिन्यू सब के समय कच्चे में सुबह से कारण गुलन कुछ इतके सामने तो कहने मुझे जा रही हूँ गाइस, नहाना धोना हो गया, अभी थोड़ा सा फ्रूट्स कट करती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद इसको एक दुपट्टा मिलना चाहिए, पूरे दिन दुपट्टा में लगी रहती है। ये क्या है मम्मी? ये मम्मी सत्तू बनाई थी, पापा को दी थी और इसको फ्रिज में रखी थी, अभी सत्तू थोड़ा पिएगी, हम भी पिएंगे। ओके, और कुछ चाहिए फ्रूट्स में? इतना काफी है, और खाएगी? पहले इतना फिनिश करो। चलो गाइस हम भी फ्रूट्स थोड़ा और सत्तू पी लेते हैं। हाय
मुझको आने का डिमांड था, मैं आज बड़ी खाऊंगी। ऑलरेडी लेट हो रहा है खाने में, पर मैं बोली आज गीला चावल खा लो आने, मुझे बहुत एकदम गीला चावल और वो आलू का चोखा आग में पका के और ग्रीन चिल्ली और आम का वो खट्टा। नहीं, इसको मन था बड़ी खाने का। देखो मैं फाइनली इसके लिए बड़ी बना रही हूँ। बड़ी पसंद है तुमको? खाली थोड़ा सा। हाँ, अभी तो कच्चा है। कच्चा है, गर्म है अभी। पसंद है बहुत। इसको बहुत पसंद है बड़ी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है ना, इतने छोटे बच्चे को बड़ी कड़ी पता नहीं कैसे उसको पसंद आता है। सारा वो चीज़ पसंद आता है जो मतलब बड़े लोग खाते हैं। अच्छा है। बड़ी कैसा बना है? अच्छा बना है, टेस्ट करो। अच्छा, रुक जाओ, मम्मी वन बाइट खिला रही है। देखो, लो 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 लो, आलू नहीं है, लो तो खाओ। तो यही बड़ी तो है, मिक्स करके दिया है ना। अच्छा है ना, देखिए बड़ी कितना अच्छा बना है। देखो तो एकदम सॉफ्ट, ये देखो गाइस कितना सॉफ्ट बना है। देखो पूरा मिक्स करो चावल में। लो, चलो गाइस तो हम भी खाते हैं, खाना लेकर बैठ गए हैं। बहुत तेज भूख लगा है, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। कैसा लगा बेटा? पूरा थाली फिनिश कर गई खाना खा के। देखिए मुँह थक गई खाते खाते। क्या हुआ? नींबू खाई ना, नींबू का अचार ना। देखिए मुँह खट्टा खट्टा लग रहा नींबू का अचार खा के ना। मजा आया, तीखा लगा है। इस लड़की को देखो, देखो आँख में पानी आ गया। देखिए देखिए थोड़ा मुंह देखिए इस लड़की का। चलो यार घर निकला जाए। चलो डोसा मसाला बना देता हूँ मैं। सिंपी सब कुछ काट वाट के गई हुई है। इधर नारियल फोड़ के कर दिया मैंने, अब चटनी पीस दूँ। मेरे को सख्त हिदायत दिया गया है कि घर में जब वो आएगी, अन्या को भी ले गई है नीचे खिलाने के लिए, किचन में एक भी गंदगी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ स्लैब में कुछ छीटा हुआ था, सब क्लीन कर दिया। इसमें होगा तो चलेगा। अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। डोसा मसाला, हरा मिर्चा तो काटी ही नहीं है, कड़ी पत्ता कहाँ है बे? कैसे होगा उसके बिना? दरवाजा कहीं नहीं खुल रहा भाई, हम अपने घर में चोर की तरह क्यों लग रहे हैं? बताओ यार, ऐसे कोई कुर्सी लगाता है? खुलेगा कभी जिंदगी में? टास्क नंबर टू, डोसा मसाला। खाना बनाने के पहले ना दोस्तों, सारा सामान एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, वरना होता क्या है कि मिलेगा कुछ नहीं। तो अगर आपके घर में गरम मसाला नहीं हो ले, बीटरूट तो डालना ही भूल गए। अब आखिरी काम कर लिया जाए, सफाई का। भैया हमारा तो हो गया काम, पसीना भी आ गया। बड़ा गर्मी है यार, बहुत डिफिकल्ट है काम करना किचन उचन में। देखो आ गई मम्मी। मम्मी आ रही है। तुम जल्दी आ गई। मम्मी कहाँ है? नीचे। ऐप दिखाने गई। ऐप किसका है? वो जो है ना, वो वीडियो सबको ऐप कर रही है। ऐप कर रही है? इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम। जाओ बस
आ गई। हाँ मेरा फोन काम नहीं है, वीडियो पूरा नहीं हो रहा, देखिए क्या बात। डिलीट तुम डिलीट ही नहीं की हो? कर चुके हैं डिलीट, बहुत नहीं हुआ है। जाओ सीधे बाथरूम पहले। देखो सिंपी ये देखो खाली हो गया। कैसे खाली हो गया? चल देखो किचन बन गया मसाला। नहीं अभी तो सब बनाना बाकी है। क्या? हाँ अभी कहाँ कड़ी पत्ता भी नहीं तोड़े हैं, तोड़े हैं पता नहीं तुम रख के गई थी। क्या झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं बनाए उधर। क्या उधर? मसाला चटनी भी पीस दिया पर फैलाए कहाँ है पूरा किचन? कहाँ फैलाए हैं दिखाओ तो। वो फैलाना हुआ क्या यार? कितना भी कुछ कर लो ना हमेशा कमी निकाल देगी, बॉस की तरह है साला। काम अच्छा भी करो तो भी जो है कुछ ना कुछ निकालेगी। हाँ तो वही बात है ना। जरा से खोल देना मैं YouTube बना दो। एक मिनट बेटा। हाँ YouTube बना दो। तेरा है ऑलरेडी Instagram में? हाँ है बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ ठीक है प्रॉपर बिल्कुल। हाँ भाई है। अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बनाना है हमें डोसा। तान्या खाएगी और हम सिंपी को खिलाएंगे और सिंपी मेरे लिए बनाएगी, तो आज देखते हैं सिंपी भी कैसे बनाती है, कितना अच्छा डोसा बनाती है। हम ही पहले बनाएंगे, आप ही पहले खाइए। क्या? हाँ आज निश्चिंत से खाएंगे। क्या? आज हम निश्चिंत से खाएंगे। किसमें से? निश्चिंत होकर खाएंगे, पहले आप खाइए फिर। हमसे नहीं बन पाता है दोस्तों। आज के पहले ना डोसा हम ही बना के खिलाते थे, आज जो है सब का जिम्मा सिंपी लिए, खुद भी बना के खाएगी और मेरे को और आन्या को भी बना के खिलाएगी, तो देखते हैं कैसा बनाती है। तैयार है ना सिंपी? तैयार होने गया तो सादी सारा खाना बना रहा, सारा काम कर रहा था। डोसा कौन सा बड़ा चीज है? डोसा कौन सा बड़ा, वो तो हम थोड़ा आलस और नहीं तो क्या। चलो भाई भाई सिंपी लग रहा आज एकदम बनाओ बनाओ बनाओ। बीच में बढ़ाइए मत ना, बनाने बना लेंगे अच्छा, पर आप माथा पे खड़े तवा गिरा दीजिएगा सर पे पैर दर पे, अच्छा ही निकालेंगे। मसाला है तो खराब होता ही है आपको पता ही है। मसाला कौन बोला लगा रहे हैं? तो बिना मसाला का बनेगा क्या? मसाला लास्ट में लगता है ना भाई, डोसा निकालने के बाद दोनों बर्बाद नहीं करते। ये देखो अभी ये पहला डोसा भाई मेरा भी ऐसे ही भाई साहब। सिंपी डोसा का क्रंच तो एकदम जबरदस्त है। खाने बैठे हैं हम, दूसरा ला रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना। आन्या को खिलाओ ना। आन्या नहीं खाएगी मसाला। मम्मा कैसा बनाई है डोसा? बेस्ट। मेरे को चटनी बहुत पसंद है। सिंपी बेस्ट डोसा, बहुत टेस्टी, मस्त बनाई है, बहुत अच्छा। सबसे अहम स्टेप, तेल डाल दे थोड़ा प्याज में। तेल ले, ये प्याज हम खानते पानी में डाल दी भाई। फैलाना तो आ गया सिंपी को जबरदस्त वाला। ओ भाई ऐसा तो मेरा भी नहीं बनता। लाओ 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 जल्दी दो भाई। आज सच में सिंपी गजब तुम चैलेंज एक्सेप्ट करके खतरनाक बनाई है। इसका मतलब तुम पहले जानबूझ के नहीं बनाती थी ना? जानबूझ के नहीं बनाती थी। जो आदमी पूरा किचन संभाल सकता है, खाना बना सकता है, तो डोसा बनाना उसके लिए क्या है? ये देखो भाई साहब दिखाओ, पलट के दिखाओ। खाना नहीं बनाती है ये देखो।
आप लोग भी खाओ गाइस। कैसा और बनाए ना? ये भाई सरप्राइज है, देसी बटर में। देसी मक्खन वाला डोसा आज तो यार सिंपी कमाल कर दी, इतना बढ़िया डोसा बना के खिलाई ना यार। तो मेरे को लगा उसके लिए कुछ तो स्पेशल करना जरूरी है, तो हम उसके लिए जो है ना देसी मक्खन वाला जबरदस्त छोटा सा प्यारा सा डोसा बना के खिलाए। देसी मक्खन बनाया हुआ मेरा ही है। अरे हाँ भाई, देसी मक्खन तुम बनाई हो लेकिन उसपे डोसा बनाना कलाकारी है ना। रात में जब खाना होना हो जाता है ना तब ये वाला काम चल रहा होता है। तो चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू विजिट हम सब, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे घर में शोर शराबा चलता रहेगा। मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आन्या का कुछ काम, जाओ दूध का जाओ बोतल डालो इसके अंदर। आन्या का रोज का ड्यूटी है, जाओ दरवाजा खोल के जाओ, रखो रखो चलो। हाँ रखो, बंद कर। मजा आ रहा है यार, तुम ठंडा वाला तेल क्यों लेके आई है जब रोज नारियल का तेल लगाना है तो? अरे तो ठंडा तेल नहीं लगाते ना उस दिन, चादर कभी नहीं लगाती हो यार, चादर पुराना बिछा।